हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अगेन इम्पोर्टेंट। आज की क्लास में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने की जरूरत है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आया ही हुआ है। फिर से कह रहे हैं कि ये पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इस बार जो नई एनसीईआरटी है और एनटीए का जो नया सिलेबस है, इन दोनों में ये डिलीट हो चुका है, पर अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो भूलना नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस जो आज पढ़ने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी अदर चैप्टर में मिल सकते हैं, तो हमें इसको भी पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट का, बस ऐसे देख लो, जिस पॉइंट को हम बोलेंगे कि आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, उसी को बस याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, इस समय हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हमने देखा था, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू था उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये हमने पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो दूसरा टाइप था परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा टाइप था उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल रहे हैं। हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम इसमें लिख रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, मतलब मेड अप ऑफ, लिखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि इसका जो टिश्यू होता है इसका कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कल की क्लास में देखा था, नो कॉमन स्ट्रक्चर हमने बताया था यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होता है। फंक्शन इन सभी के मिला के सिमिलर फंक्शन हो जाता है, जिसको हमने शायद कल हमने आपको बताया था कि वो कॉमन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन फंक्शन हाँ देखने को मिलेगा, या कि सिमिलर फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलर फंक्शन मिलता है। तो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमको मिलता है, तो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी एक पिक्चर शो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लिख ले रहे हैं, जाइलम एंड जाइलम हो गया, फ्लोयम हो गया, कॉर्टेक्स, ये तीन एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। और अपने स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ फ्लोयम वेसल्स देख रहे हो, जाइलम वेसल्स, हम क्लास 10th में भी पढ़े, उससे पहले भी हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में भी, जो जाइलम है उसका काम क्या है और फ्लोयम का काम क्या है। आप कहेंगे सर जाइलम वेसल्स जो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है, और फ्लोयम वेसल्स जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ना, यही है ना। तो चलिए आगे इसी को डिटेल पढ़ना हमको आज, जाइलम और फ्लोयम, कि प्लांट में जाइलम फ्लोयम यानी वाटर कैसे रूट से वो उसके लीफ तक पहुंचता है, और फ्लोयम कैसे वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, किस टाइप का अरेंजमेंट है इसका, है ना, तो देखने वाले हैं, और किस किस टाइप की सेल है इसके बारे में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जाइलम टिश्यू, हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जाइलम टिश्यू क्या हेल्प कर रहा है, जाइलम जो टिश्यू होता है आप ये लिख सकते हैं जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो हेल्प किसमें कर रहा है, वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। कहां से कहां तक ये वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, देखो प्लांट कभी भी अपने लीफ से स्टेम से वाटर को अब्सॉर्ब थोड़ी करता है, तो सबसे पहले कहां से अब्सॉर्ब करता है, रूट से। सर हम सभी जानते हैं रूट से अब्सॉर्ब करता है, रूट हेयर हेल्प इसमें ज्यादा कर रही होती है, तो रूट से अब्सॉर्ब हुआ, रूट से कहां जाएगा, स्टेम में जाएगा, स्टेम से कहां जाएगा, स्टेम से लीफ तक जाएगा। तो रूट से वाटर स्टेम तक और स्टेम से लीफ तक जाएगा। और अगर आप अगर देखोगे तो जो वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है ना, लेकिन बहुत सारे वाटर का यूज भी है प्लांट के अंदर। तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है रूट से लेके लीफ तक, ठीक है, रूट टू लीफ, इसको कंडक्शन में हेल्प करता है। अभी जो जाइलम टिश्यू है बने कैसे, मतलब कितने टाइप की सेल,
तो जनरली फोर टाइप की आपको इसके अंदर सेल देखने को मिलेगी, जो फोर टाइप का एलिमेंट हम बोल सकते हैं, फोर टाइप का एलिमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जो आप इधर के सबसे आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हो, जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है इसके अंदर। ये वेसल्स है, वेसल्स जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जाइलम टिश्यू का, जो वाटर को लेकर जाता है, ठीक है। ट्राइकीड्स होता है, ट्राइकीड्स तो ये भी एक मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, और जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर ये चार पॉइंट, अब चार एलिमेंट्स हैं इसमें, एक जाइलम पैरेन्काइमा है, सेकेंड जो है वेसल्स है, थर्ड जो है ट्राइकीड्स है, फोर नंबर पे हम पढ़ रहे हैं जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये जाइलम टिश्यू होते हैं, ये सब मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं जिससे वाटर का कंडक्शन हो सके, ठीक। अब इन्हीं को चार को हमें डिटेल करना है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो फोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ट्राइकिड्स, और ट्राइकिड्स आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले के डायग्राम में चेक करो, ये है ट्राइकिड्स ये, और ये साइड में ऐसे लगा हुआ है, ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर ट्राइकिड्स का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। एंजियोस्पर्म में मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग, यानी मेन जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला एलिमेंट्स है वो ट्राइकिड्स है, स्टार लगा लो बच्चे, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है ये। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट कौन है, तो ट्राइकिड्स याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर है इलॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक है, अभी हमने देखा भी इलॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक है, लिग्निफाइड वॉल है, यानी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है सेल वॉल में, और इंड इसका टेपरिंग है, मतलब ये देखो इंड इसका टेपरिंग दिख रहा होगा आपको, और सेल वॉल जो है लिग्निफाइड है, मतलब ये डेड सेल होगी, ठीक है, ये डेड सेल, ठीक। तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया इसका, और ये स्ट्रक्चर में आप ये याद रख सकते हैं कि लिग्निफाइड सेल वॉल है इसके पास, और ये सेल अगर लिग्निफाइड डिपोजिशन हुआ है तो सेल की डेथ हो जानी है। फिर फंक्शन की बात करें तो ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है, तो हमने इसको पहले भी देख रखा है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वाटर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन है, ट्राइकिड्स है। वेसल्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, और पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स का प्रेजेंस होना ही एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, मतलब वेसल्स जो जिम्नो में नहीं मिलेगा, प्रोटेरिडो में नहीं मिलेगा, तो वेसल्स यहां मतलब एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, और वेसल्स का प्रेजेंस होना ही ये बता रहा है कि वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है, ये वेसल्स है, मतलब इस डायग्राम में चेक करो, वेसल्स ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये वेसल्स का है, जो ये देख रहे हो आप, ये वेसल्स है, ठीक है, परफोरेटेड होता है ये। तो यहाँ चेक करेंगे हम, वेसल्स पढ़ रहे हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है, और जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है वेसल्स, लिग्निफाइड सेल वॉल है, मतलब ये भी तो डेड, इसका भी डेथ हो गया। लार्ज सेंट्रल कैविटी है, कैविटी अंदर ज्यादा है, और प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है, अब्सेंट है तो मतलब सेल डेड है। वेसल्स मेंबर्स यानी जो ये सेल है, डिफरेंट टाइप की सेल है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, यानी एक दूसरे का जो कॉमन वॉल है एक दूसरे के साथ परफोरेटेड होती है, मतलब उसमें होल होता है बहुत सारा, तो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ऐसे समझ लो ये अगर वेसल्स, ये वेसल्स है, ये वेसल्स है, तो ये परफोरेटेड है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे होल दिखेंगे इसमें, और वाटर यहाँ से कंडक्ट होगा तो इजिली वो पास हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो वेसल्स जो है मेन, वेसल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म। जो है जाइलम फाइबर पढ़ेंगे, जाइलम फाइबर का जो स्ट्रक्चर है, जाइलम फाइबर हाईली थिकेंड वॉल होती है, मतलब हाईली थिकेंड यानी लिग्निफाइड सेल वॉल है इसके पास, लिग्निफाइड सेल वॉल है, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, एंड ऑब्लिटरेटेड है, ऑब्लिटरेटेड सेल वॉल होती है। ऑब्लिट्रेटेड का मतलब ये है कि जो सेंट्रल ल्यूमेन है इसका, सेप्टेट है या ए सेप्टेट है, मतलब सेंट्रल ल्यूमेन है ही नहीं दिख, मतलब बहुत क्लियर विजिबल नहीं होता है, और वो सेप्टेट है या ए सेप्टेट है ये भी बहुत क्लियर समझ नहीं आता इसमें। तो जाइलम फाइबर भी कैसी सेल है, ये भी डेड सेल होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिविंग सेल होती है, मतलब चार हमने पढ़ा, चार में तीन यानी जो जाइलम टिश्यू के फॉर्मेशन में चार एलिमेंट्स हेल्प करते हैं, और चार एलिमेंट्स में तीन एलिमेंट्स जो है नॉन लिविंग है, और एक लिविंग होता है जिसकी वॉल थिन सेल वॉल होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फैट एंड टैनिन, ये केमिकल्स होते हैं जिनको ये स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन था, ट्राइकिड था। वेसल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, मतलब वेसल्स का प्रेजेंस होना ही ये बता रहा है कि वो किसका कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है।
जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये डेड होता है, हाईली लिग्निफाइड थिकेंड सेल वॉल होती है, ऑब्लिटेटेड, इसमें ल्यूमेन या ल्यूमेन का बहुत क्लियर वो नहीं होता कि ल्यूमेन है या नहीं है और सेपरेट है या ये सेपरेट है, ये बहुत विजिबल क्लियर नहीं होता है। जाइलम पैरेन्काइमा इकलौती एक ऐसी सेल होगी यहाँ पर जो कैसी होती हैं, ये डेड होती हैं, सॉरी लिविंग होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। फंक्शन की बात करें तो ये स्टोरेज में हेल्प करता है, फैट स्टोर करता है और टैनिन स्टोर करता है। अब आते हैं प्राइमरी जाइलम, क्योंकि हमें पता है कि जब डाइकॉट स्टेम होता है, रूट होता है, उसमें दो टाइप के जाइलम मिलेंगे हमको, क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, मतलब इससे पहले जब हमने पढ़ा था सेकेंडरी यानी लैटरल मेरिस्टेम, तो हमने डिस्कस किया था जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो जो प्राइमरी जाइलम होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है अभी ध्यान से देखना, एक होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और एक होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम यानी आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, ये पहले बना है, और मेटाजाइलम के लिए लिख सकते हैं लेटर फॉर्म। ये स्मॉल साइज में है, स्मॉल साइज, और ये कैसा होगा, लार्ज साइज में होता है, लार्ज साइज में होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा सॉरी प्राइमरी जाइलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दो टाइप हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा, इंडार्क और एग्जार्क, अब ध्यान से देखना। जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ये देखो प्रोटोजाइलम जब अंदर की तरफ हो, यानी जो स्मॉल साइज का जाइलम वेसल्स है, जाइलम है, जब अंदर के साइड, अंदर के साइड और बाहर के साइड मेटाजाइलम, यानी जो पहले बना है वो अंदर है और जो बाद में बना है वो बाहर के साइड है, यानी मेटाजाइलम लार्ज साइज का तो बाहर के साइड होता है। तो इस कंडीशन को इंडार्क कंडीशन बोलते हैं, इंडार्क। ये हमें कहाँ मिलता है, स्टेम में मिलता है। इंडार्क कंडीशन कहाँ मिलती है हमको, स्टेम में मिलती है। तो स्टेम में प्राइमरी जाइलम इंडार्क टाइप का होता है, ये स्टार लगा लो यहाँ से पूछना, ठीक है। इंडार्क कंडीशन आपको प्राइमरी जाइलम का कहाँ मिलेगा, आप बताएंगे सर स्टेम में। एग्जार्क कंडीशन में क्या होता है कि देखो मेटाजाइलम जो लार्ज साइज का जो जाइलम है वो अंदर के साइड है और जो स्मॉल साइज का है वो बाहर के साइड है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि मेटाजाइलम जो है सेंटर के साइड है और प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी में है। तो ये कंडीशन एग्जार्क होती है, और एग्जार्क कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, रूट में देखने को, कहाँ मिलती है, रूट में देखने को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो चेक करो, अभी हम देखते हैं फ्लोएम टिश्यू पढ़ने वाले हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या है, जो फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू ये किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्ट, ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाला है फ्लोएम टिश्यू, हम सबको पता है, पहले से पता है। अब ये फूड ट्रांसपोर्ट में किस टाइप से हेल्प करेगा, अब इसको हमें क्लियर देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना है इसमें फर्स्ट पॉइंट कि कहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, देखो फूड बनता कहाँ, तो लीफ में बनता है सर, लीफ टू अदर प्लांट पार्ट, तो लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि जाइलम से जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू लीफ हो रहा था, यहाँ लीफ से अदर प्लांट की तरफ हो रहा है, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी, आप ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो इसको, ये सी ट्यूब एलिमेंट्स हैं, सी ट्यूब एलिमेंट्स, ये भी आपको केवल एंजियोस्पर्म में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, एंजियोस्पर्म सेल में ही, एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलेगा, जिम्नों में नहीं मिलता, जिम्नों में सीप सेल्स होती है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो कैंपेनियन सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, ठीक है, क्योंकि जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स होता है, यहाँ न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो कंपेनियन सेल है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके पास, तो इसका न्यूक्लियस ना इस सीव ट्यूब के, सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल जो है कंट्रोल कर रही है किसको, सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद कंपेनियन सेल के जस्ट साइड में आप देखेंगे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखेगा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, ठीक, फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं जो यहाँ नहीं दिखाया गया है, फ्लोएम फाइबर भी इसके पास होते हैं। तो चार टाइप के एलिमेंट्स जो है फ्लोएम टिश्यू बनाने का काम कर रहे हैं। एक आपने बताया सर, सबसे पहले आप हम डिस्कस कर रहे हैं अंदर के साइड, ये है सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके जस्ट बाद है कंपेनियन सेल,
कंपेनियन सेल जो है इसका न्यूक्लियस इसके पास होता है और ये कंट्रोल भी कर रहा होता है इसको सी ट्यूब एलिमेंट्स को। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये अगेन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आगे जो एक और होता है फ्लोएम फाइबर फोर्थ नंबर पे, ये थर्ड हो गया आपका। फोर्थ नंबर पे क्या होगा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर ये भी डेड होता है ठीक है। तो आगे डिस्कस करें इसको डिटेल में। सी ट्यूब एलिमेंट्स देखें तो सी ट्यूब एलिमेंट्स का एक पिक्चर्स जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो अंदर का पार्ट, ये जो अंदर पार्ट दिख रहा है ये सब सी ट्यूब एलिमेंट्स वाला पार्ट है। जो यहाँ पर सी पोर्ट्स दिखेगा जहां से फूड मटेरियल ट्रांसफर होगा प्लांट के अदर पार्ट में, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो इसलिए हम सी ट्यूब बोल रहे हैं इसको ठीक है। सी ट्यूब एलिमेंट्स है तो फूड जो मटेरियल है वो इसी रास्ते से ट्रांसफर होगा। इसके जस्ट बगल में आप कंपेनियन सेल देख सकते हो यहाँ है और फ्लोएम पैरेन्काइमा उसके बाद है और सी पोर्स है, तो सी पोर्स के थ्रू पोर होगा होल होगा इसमें तभी तो फूड कंडक्ट होगा इसमें। तो सी ट्यूब एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉन्ग ट्यूब लाइक एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, यानी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये और ये कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होता है, मतलब दोनों साइड इसके कंपेनियन सेल है, दोनों साइड कंपेनियन सेल है। इंड वॉल आर परफोरेटेड, जो इसका जो इंड वॉल होता है परफोरेटेड होता है यानी सी पोर्स होते हैं इसमें और लार्ज साइज का वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है इसका। तो किसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल ठीक है। अब आते हैं कंपेनियन सेल, ये पैरेन्काइमा सेल होती है और क्लोजली एसोसिएटेड विथ सी ट्यूब, हाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट विथ पिट फील्ड्स यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन कॉमन वॉल यानी दोनों का वॉल जो होता है कॉमन ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करें तो कंपेनियन हेल्प करता है मेंटेनेंस प्रेशर ग्रेडियंट इन सी ट्यूब, यानी कंपेनियन सेल ही कंट्रोल कर रहा है कि सी ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट कितना होने वाला है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कंपेनियन सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। अब देख फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ने का, फ्लोएम पैरेन्काइमा अगर आप चेक करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल। तो साइड में आप पैरेन्काइमा सेल देख रहे थे, ये इलोंगेटेड है, टेपरिंग हो सकता है मतलब दोनों इंड फ्यूज हो सकता है और सिलेंड्रिकल सेल है यानी सिलेंडर के जैसा दिखेगा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस और सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल भी लिविंग थी। फंक्शन की बात करें तो हेल्प करता है एक इसमें फूड स्टोरेज में, रेजिन और लेटेक्स एंड म्यूसिलेज के स्टोरेज में हेल्प करता है ठीक है, हेल्प करता है इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा। बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की, तो फ्लोएम फाइबर में पास्ट, फ्लोएम फाइबर को एक और नाम से जानते हैं ओके, ये इंपॉर्टेंट, पास्ट फाइबर भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, तो स्टार लगा लो ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। ये बना किससे है, स्क्लेरेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होती है हम सबको पता है, तो ये तो डेड होने वाला है। दीज आर अब्सेंट प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता, जब सेकेंडरी फ्लोएम यानी ये हमें डाइकॉट प्लांट में मिलेगा, फ्लोएम फाइबर कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट्स में मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम में अगर नहीं है ये, सेकेंडरी फ्लोएम हमें डाइकॉट में ही मिलता है स्टेम और उसके रूट में, तो डाइकॉट में मिलने वाला है, बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम यानी सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेगा, प्राइमरी में नहीं मिलता है। इसकी जो सेल होती है इलोंगेटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, सेल कैसी है इलोंगेटेड एंड अनब्रांच, तो ये फ्लोएम फाइबर आप देख पा रहे होंगे ये अंदर के साइड होता है, अंदर के साइड होता है, अंदर के साइड फ्लोएम फाइबर होता है ठीक है, तो यहाँ डिनोट किया गया है हाँ ठीक है। पॉइंटेड सेल वॉल थिक होते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन लॉस्ट देयर प्रोटोप्लाज्म, जब मैच्योर होता है तो ये प्रोटोप्लाज्म अपना प्रोटोप्लाज्म जो है लॉस्ट कर देता है एंड बिकम डेड, मर जाता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है जूट फ्लैक्स और हेम्प फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जूट बनाना, फ्लैक्स बनाना और हेम्प जो बनता है वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्लोएम फाइबर ही होता है, एक्चुअल में फ्लोएम फाइबर ही होता है जिसे जूट फ्लैक्स हेम्प, गांव में पहले रस्सियां बनाई जाती थी तो इसी से बनाई जाती थी ठीक है। तो ये जनरली हमें कहाँ मिलने वाला, ये हमें मिलने वाला डाइकॉट में, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम तो मोनोकॉट में भी है डाइकॉट में भी है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, और हमें कह रहे हैं कि ये डाइकॉट में मिल रहा है तो फिर वहीं मिलेगा ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी फ्लोएम की बात करें तो प्राइमरी फ्लोएम दो टाइप का है, अगेन वही जो अभी हमने देखा था प्राइमरी जाइलम जैसे हमने पढ़ा था, एक होगा प्रोटोफाइलम, प्रोटोफ्लोएम होगा प्रोटोफ्लोएम, और एक है मेटाफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम की बात करें तो इसमें नैरो जो सीव ट्यूब है, नैरो सीव ट्यूब होगा इसमें, और इसमें लार्ज
सी क्यूब होगा। इसका मतलब जो सी क्यूब का जो थिकनेस है, जो उसकी विड्थ होगी, वो बहुत ही नैरो होगी, बहुत कम होगी। और अगर इसके मेटा फ्लोएम की बात करें तो लार्ज होगा, मतलब बीच में स्पेस ज्यादा होगा मेटा फ्लोएम। बस इतना ही याद रखना है आपको प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम में। प्राइमरी जाइलम में आपको प्रोटो और मेटा जाइलम था, वहां पर प्रोटो जाइलम पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये पहले बनता है तो ये लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, और ये लेटर फॉर्म लिख सकते हैं, यानी बाद में बनता है मेटा मेटा फ्लोएम जो होता है बाद में बनता है, सिमिलर वैसे ही जैसे हमने जाइलम में देखा। इंपॉर्टेंट नोट्स ये अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स और फाइबर दोनों नहीं, वेसल्स और फाइबर दोनों नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म के पास, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के पास एल्ब्यूमिनस सेल, कंपेनियन सेल नहीं होती जिम्नो के पास, उसकी जगह पर यहाँ एल्ब्यूमिनस सेल होती है जिम्नो में, और सीव ट्यूब की प्लेस पर सीव सेल्स होती है, सीव ट्यूब की जगह पर सीव सेल्स होती हैं, कंपेनियन के प्लेस पर एल्ब्यूमिनस सेल होती है। एंड लैक, यहाँ पर लिखा लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, तो जिम्नोस्पर्म में दोनों नहीं होता, बल्कि इसके प्लेस पर एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स होती है, और जिम्नो में वेसल्स नहीं होता। हमने बताया था ना कि वेसल्स जिम्नोस्पर्म का एक मेन फीचर है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में नहीं मिलने वाला है आपको, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको, जैसे अभी हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ा था ना, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा ये हमें कहाँ नहीं मिलने वाला है, मोनोकॉट प्लांट में नहीं मिलने वाला, तो मोनोकॉट प्लांट में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगली जो क्लास हमारी होने वाली है वो एनसीईआरटी में गिवन है, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्या बुरे तरीके से पढ़ाएं, नहीं 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 ऐसा मत बोलना, इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, याद ज़्यादा करना पड़ेगा, हम इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं इस बात से, तो इसकी भी कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स है कंपेनियन सेल इससे रिलेटेड, आप ये कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ 8-10 पॉइंट इससे निकाल के बस इनफ है, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। लेकिन हाँ, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आएंगे, इसलिए पढ़ाना जरूरी था, ठीक। तो मिलते हैं नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। चलते हैं, करना क्या है आपको, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करो, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बनेंगे और बनेंगे, जरूर बनेंगे, एनसीईआरटी से बाहर आता नहीं इस चैप्टर में, तो चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।